आपने सतयुग की कथाओं में श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराते थे। लेकिन आज हम आपको कलयुग के श्रवण कुमार से मिलाते हैं, जो बहंगी में अपनी बूढ़ी माँ को बिठाकर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्ति के अनूठे से अनूठे भक्त देखने को मिल जाते हैं, जिनकी भक्ति देख मुँह से बस यही निकलता है, भक्त हो तो ऐसा। वही एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला मानो हम सतयुग में आ गए हो। दरअसल खगड़िया जिला निवासी पवन साह बिहारी अपने सहयोगी कैलाश मंडल के सहयोग से अपनी बूढ़ी माँ शोभा देवी को बहंगी में बिठाकर सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर कच्ची कांवरिया पथ होते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम जाते दिखे, जिसे देख हर किसी को श्रवण कुमार की याद ताजा हो गई। पवन ने बताया कि वो 21 जुलाई को ही अपनी माँ को बहंगी में बिठाकर खगड़िया से निकले हैं। अब कब तक देवघर पहुँच जाए ये कहा नहीं जा सकता। 9 महीना मेरा माता जी युद्ध में रखा, हम तभी इतना दिन कर्जा नहीं सुला पाए, इतना तो 2 साल सुलाए, अभी बहुत सुलाने के लिए बचा है, कभी उसका कर्ज सुला नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई मनोकामना भी है? कोई मनोकामना नहीं है, महादेव है ये है, माता गंगा है ये है, तो मनोकामना क्या बात का है। आप खगड़िया से ही लेके चले हैं? खगड़िया से लेके चले हैं, बतौली गांव से। कब लेके चले थे? 21 तारीख के चले थे। सुल्तानगंज कब आए? लगभग परसों आए थे। परसों? आज जल लेके कितने बजे निकले वहाँ से? आज निकले ना, कल निकले 3 बजे। 3 बजे निकले। क्या नाम है आपका? पवन साह। माता जी का क्या नाम है? शोभा देवी। साथ ही पवन साह ने बताया कि उनकी कोई मन्नत नहीं है, माँ को बाबा धाम जाना था लेकिन पैदल वो चल नहीं सकती थी, इसी कारण वो बहंगी में अपने सहयोगियों की मदद से कंधे पर बैठाकर बाबा धाम के लिए निकल पड़े। वहीं उनकी बहंगी पर बैठी बूढ़ी माँ ने बताया कि वो अपने बेटा के कंधे में बहंगी में बैठ बाबा धाम जा रही है। साथ ही कहा कि भगवान करे ऐसा बेटा सभी माता पिता को दे। जो है आपको बहंगी में बैठा करके बाबा नगरी ले जा रहे हैं, बाबा के साक्षात दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे अपने बेटा के लिए? उसको सब मनोकामना महादेव पूरा करे। हम तो मध्यम परिवार के हैं, इसके लिए उसको चाहते हैं कि महादेव उसको सब कुछ से परिपूर्ण करे कि आगे भी नाम रोशन रहेगा महादेव का। कितने सालों से आपके बेटे लग जा रहे हैं? अगला साल से 23 से, अब तो 24 में है। 23 पिछले साल भी लग गए थे। पिछले साल आपके बेटा क्या करते हैं अभी? कुछ नहीं, अपना कमाते खाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ऐसा बेटा सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बेटे हैं माँ को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आपका बेटा जो है बाबा के दर्शन करा रहे हैं, क्या कहेंगे सभी बेटा के लिए? महादेव से ही कहेंगे कि यही कर सकेंगे कि इसको महादेव परिपूर्ण करे सब चीज से, बाल बच्चा के अच्छा से ढंग से खिलाए पिलाए रखे, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, संस्कार हो। क्या नाम है माता जी? शोभा देवी। सावन की दूसरी सोमवारी को अजगैवीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान करने के दौरान 2 छात्र डूब गए, जिसमें एक छात्र किसी तरह जान बचाकर गंगा से बाहर निकल गया, लेकिन एक छात्र अभी भी लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानगंज के पटेल नगर गांव के रहने वाले अपने सहयोगी छात्र के साथ स्नान कर रहे थे, तभी गहरे पानी में चले जाने पर 2 छात्र डूब गया। एक छात्र ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, मगर एक छात्र अभी भी लापता है। डूबे लापता छात्र की पहचान इंटर में पढ़ने वाले 20 वर्षीय करण कुमार के रूप में हुई है। पिता का नाम संजय ठाकुर बताया गया है। वहीं दूसरा छात्र छत्तीश कुमार अपनी जान तैर कर बचा लिया। ये सभी पटेल नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस, नाविक, एसडीएफ की टीम पहुंची और लापता डूबे छात्र की खोजबीन की जा रही है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में अजब गजब कारनामे हो रहे हैं। लगातार किसी न किसी कारणों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले अस्पताल में हो रहे वसूली के खेल का एक और वीडियो सामने आया है, जहां ट्रॉली मैन के द्वारा मरीज के परिजन से 100 रुपए की वसूली करने का वीडियो वायरल हो गया है। कुछ दिन पूर्व भी मायागंज अस्पताल में हड्डी के मरीज से 6,000 रुपए लेकर खून बेचने व निजी अस्पताल में मरीज को भेजने वाले ट्रॉली मैन का खुलासा हुआ था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की है। अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार ने मानसिक रोग विभाग के HOD डॉक्टर अशोक कुमार भगत की अध्यक्षता में 4 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है, जिसे 3 दिन के अंदर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपनी है। इस मामले की जांच रिपोर्ट आने के पहले ही अस्पताल के इमरजेंसी विभाग से ट्रॉली मैन के पैसे वसूलने का एक और वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मरीज के परिजनों द्वारा एक ट्रॉली मैन को बुलाकर वार्ड में लाया जाता है, जहां
ट्रॉली मैन बेड सीट को बदलता है और मरीज को ग्लूकोज चढ़ाता है। फिर वो वार्ड से बाहर निकल जाता है। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद ही वो मरीज के परिजन के सामने हाथ फैलाता है, जहां उसे 100 रुपये दिए जाते हैं। फिर वीडियो बना रहे शख्स ने पैसे देने वाले युवक से पूछा कि आपने कितने रुपये दिए, तो उसने बताया कि मैंने उसे 100 रुपये दिए। फिर वो आगे बढ़ जाता है। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मरीज के परिजनों से धड़ल्ले से पैसे की वसूली की जा रही है। कितना पैसा लिया? कितना पैसा लिया? 100 रुपया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में शिव भक्त अपने अनोखे अंदाज में लगातार बाबा धाम जा रहे हैं और उनका अनोखा अंदाज अन्य कांवरियों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब सेंचुरी कंपनी के द्वारा महाकाल ग्रुप हावड़ा के घुसड़ी माधव लेन की टोली की 35 कांवरियों के जत्था के द्वारा अयोध्या की रामलला का भव्य मंदिर रूपी कांवर को ले बाबा धाम के लिए निकल पड़े। अयोध्या धाम को देखते ही लोगों का चेहरा और बाबा धाम जाने वाले कांवरियों में एक जोश भर जा रहा है। लोग के मुँह से भव्य मंदिर के प्रारूप को देख जय राम हर महादेव का नारा निकल जा रहा है। कांवरियों ने बताया कि उसकी टोली में 35 दस है और कांवर का वजन लगभग 125 किलो है। इस राम मंदिर स्वरूप कांवर को बनाने में लकड़ी, थर्मोकोल, बांस और लोहे का उपयोग किया गया है। इसे बनाने में लगभग 1 माह का समय लगा है। इससे पूर्व भी वे लोग केदारनाथ का प्रतिरूप बना कांवर के रूप में बाबा धाम गए थे। इस बार रामलला का भव्य मंदिर बना वे उसे कंधों पे उठा बाबा धाम के लिए निकल पड़े हैं। वजन होगा इसका? ये राम मंदिर है, इसका वजन 70-80 किलो होगा। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? इसको बाबा बैजनाथ धाम लेके जा रहे हैं। क्यों लग रहा है कि आपको राम मंदिर लेके जाना चाहिए? राम मंदिर इसलिए लेके जा रहे हैं कि अपना इस साल राम जी का स्थापना हुआ अयोध्या में, इसलिए हम सोचे कि इस साल हम लोग राम मंदिर को ही लेके जाए। कितने सालों से लेके जाते हैं? हम लोग 5-6 साल से लेते जा रहे हैं अलग अलग, मतलब हम लोग नेक्स्ट ईयर आप केदारनाथ लेके गए थे। हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग हम लोग लेके जाते हैं। कितना दिन लगा था इसको बनाने में? इसको बनाने में 20-25 दिन लगा था। खुद से बना के लेके जाते हैं? हाँ, हम लोग खुद से बना के जाते हैं। बनाए हैं इसमें लोहा है, लकड़ी है, बांस है, सोला है। कितना लोग आप लोग हैं ग्रुप में? हम लोग 20-25 जन हैं। कोई नाम भी है ग्रुप वगैरह का? अपना महाकाल ग्रुप है। हम लोग बाबा बैजनाथ धाम लेके जा रहे हैं। ये हम लोग का कलकत्ता हावड़ा माधव लेन मंदिर मानेश्वर बाबा की तरफ से, वहाँ का टीम हम लोग 35-40 जन का टीम है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। कौन सा मंदिर है और क्या चीज़ से बना हुआ? ये राम मंदिर है, इसमें लकड़ी का यूज़ किया गया, बांस का यूज़ किया गया, थर्मोकोल का यूज़ किया गया, लोहा का यूज़ किया गया है पिलर के लिए। सबका सपोर्ट के द्वारा मंदिर बना। कितना दिन लगा इसको तैयार करने में? इसको तैयार करने में लगभग 25-30 दिन लगा। लागत की बात करें तो? लागत कम से कम 60-70 हज़ार रुपया। क्या क्यों लगा कि आपको मंदिर राम मंदिर लेकर के जाना था? हम लोग हर साल ही कुछ ना कुछ लेके आते हैं। लास्ट ईयर हम लोग केदारनाथ लेके आए थे, इस साल हम लोग राम मंदिर लेके आए। कितने सालों से लेके आ रहे हैं आप? हम लोग लगभग 5-6 साल से लेके आ रहे हैं। हर साल अलग अलग लेके आ रहे हैं। राम मंदिर इसके अंदर क्या क्या प्रतिमा है? इसमें राम मंदिर का खाली प्रतिमा है राम जी का। कैसा लगता है लेके जाने में? अच्छा लगता है, इसीलिए तो हर साल लेके आते हैं, हम लोग हर साल लेके जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग मेरा नाम हूँ अनु कुमार ठाकुर। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं उसी जगह से आए हैं, पर हम लोग एक छोटा सा स्पॉन्सर, छोटा सा अमाउंट सब भाई लोग मिलके हम लोग छोटा सा स्पॉन्सर कंपनी का थ्रू भी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसी का थ्रू हम लोग आए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? हावड़ा में हुआ। हावड़ा में किस जगह? माधव बुलेन। कितना वजन की बात करें तो वजन कितना होगा? 60-70 kg करीब। 70-80 kg। कितना लोग लेके जाते हैं इसको? हम लोग का 35 आदमी का टीम है, लाइन बाई लाइन अपना जाते रहते हैं। हम लोग 2-3। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल
7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा मदरसा के पास से 28 जुलाई को अपराधियों ने देसी कट्टा सटाकर नगदी रुपया और मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद सहकुंड थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर लूटी गई मोबाइल व नगदी पैसा को बरामद कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर DSP चंद्रभूषण कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सहकुंड थाना क्षेत्र के किरणपुर गाँव से अपराधी शशिभूषण के घर पर छापेमारी की गई, जहां से लूटी गई मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक लोडेड कट्टा बरामद किया गया है तथा शशिभूषण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कॉन्फ्रेंस साकुन थाना क्षेत्र में हुई एक लूट घटना के सफल उद्भेदन के संबंध में है। दिनांक 28/7/2024 को अंबा मदरसा के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा मोबाइल और पैसा का लूट हुआ था और इसमें जो है हथियार का भी उपयोग हुआ था। मामला के संज्ञान में आते ही सीनियर SP सर के द्वारा CTSP सर के निगरानी में और DSP लॉर्नर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के अन्य सदस्य के रूप में SHO साकुंड जयनाथ सरन, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार साकुंड, सब इंस्पेक्टर देवकरण सिंह साकुंड और PSI दिव्या भी थी। इनके द्वारा तुरंत ही छापेमारी करके गुप्त सूचना के आधार पर किरणपुर में शशिभूषण के घर पर छापेमारी किया गया। इसमें जो है मोबाइल जो लूट की गई थी उसका जो है बरामदगी की गई, साथ में मोटरसाइकिल, एक लोडेड कट्टा विधिवत गिरफ्तार जब्त किया गया और जो शशिभूषण इसमें गिरफ्तार हुआ है एक इसका आपराधिक इतिहास भी है, 86/24 ये सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में है, इसे अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सावन की दूसरी सोमवारी को अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। आपको बताते चले कि लाखों शिव भक्त अजगैबीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाते हुए हर हर महादेव बोलब्रह्म के जयकारों के साथ बाबा भोलेनाथ के शिवालय पहुंचकर अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में जलार्पण एवं मैया पार्वती को जलार्पण किए और अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट में लाखों कांवरियों ने गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर स्थानीय पंडित से गंगा जल का संकल्प कराते हुए पूजा पाठ कर बाबा भोलेनाथ, हर महादेव, बोलब्रह्म के जयकारे के साथ पैदल व वाहन से वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना अध्यक्ष प्रंजन के द्वारा गंगा घाट, चौक बाजार सहित अन्य जगहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए पुलिस बल, महिला पुलिस बल, SAP के जवानों को लगाया गया। नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा गंगा घाट पूरे शहर में साफ सफाई व्यवस्था अच्छी की गई है। CO रवि कुमार के द्वारा गंगा घाट में SDRF टीम, नाव की व्यवस्था की गई है। कोई भी शिव भक्तों में गंगा स्नान करने में कोई परेशानी न हो, इस दौरान लाखों शिव भक्त एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। आज सावन की दूसरी सोमवारी है, थाना अध्यक्ष के द्वारा कैसा सुरक्षा व्यवस्था है? अच्छा टाइप है, थाना प्रभारी महोदय के द्वारा। किन किन को लगाया गया है मंदिर में? पूरे प्रशासन लोग यहाँ पर उपस्थित है, पुलिस बल, महिला पुलिस बल, सबको लगाया गया है। सबको लगाया गया सुरक्षा। कैसा भीड़ है? भीड़ ठीक ठाक है, भीड़ चल रही है, सुबह से ही भीड़ है। सुबह से आप लोग सुबह से ही लगे हुए हैं? सुबह से लगे हुए हैं। कहीं को भक्तों को कोई परेशानी?
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पूजा पाठ करने में आराम अच्छा से हो रहा है। क्या नाम है आपका? क्या आपका नाम? मेरा नाम रवि पासवान है। आज सावन की दूसरी सोमवारी पर अपार श्रद्धा भक्ति के साथ लाखों कांवरिया पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर संकल्प पूजन कराने के उपरांत बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाखों लाख कांवरिया की भीड़ इस बात की परिचायक है कि यह आस्था का सैलाब सुल्तानगंज के बाबा अजगरनाथ धाम के घाट में ये जल भरकर बाबा धाम बासुकीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। नाम बताता मैं संजय कुमार पाठक।